खोज रहण के देखने वाले सारे दर्शक सचिन की प्यार भरे राम राम और नमस्ते भाई। मैं आपका अपना पत्रकार सचिन कुमार स्वागत करता हूं जी आप सबका आपके अपने चैनल खोज हरियाणा पे। लगातार हरियाणा की हर एक अपडेट हर एक न्यूज़ आपते दिया कर रहा। आज एक बार फिर आप सबके बीच में मौजूद हूं भाई। और लोकेशन की अगर बात करी जा तो जिला हिसार के कुंवारी गाँव में मैं मौजूद हूँ। कारण की है कल रात ने जो है कुंवारी गाँव के जो हालचोट के सरपंच हैं संजय दूण जी उनके ऊपर फायरिंग हुई, 6 फायरिंग हुई थी भाई, गोलियाँ लगी और जो है एक्सीडेंटल उनकी मौत हो गई कल रात में। अब हमलावर कौन थे, किसने कराया है, आपसी रंजिश बताई जा है, क्योंकि कुछ टाइम पहले भी अगर आपको याद हो तो इसी गांव में गोलियां चली थी जो भूतपूर्व सरपंच थे उनके ग्राउंड जीरो के ऊपर मौजूद हैं जी कुंवारी गांव में चौक के अंदर। हाँ संजय दूण जी जो सरपंच वे एक शादी समारोह में तो वापिस आने लग रहे थे जिस टाइम पर रात ने उनके ऊपर यू हमला कराया गया। फिलहाल जो है कल रात ने पहले एक निजी अस्पताल में उनको ले जाया गया था, उसके बाद जो है उनकी मृत्यु घोषित होने के बाद जो नागरिक अस्पताल है हिसार का वहाँ पर उनको ले जाया गया। फिलहाल जो उनका पोस्टमार्टम होने लग रहा है भाई। अब तक जो है पार्थिव शरीर हिसार है, गांव में नहीं पहुँचा है, लेकिन उनसे पहली मीडिया मौके पर है और कैमरामैन साथ कहूँगा जो संजय दूण जी का घर है भाई सरपंच साहब का वो दिखा दो। लड़ापी फिलहाल खड़े हैं और गाम राम परिवार जो है फिलहाल बैठा है इंतज़ार करना रहा पार्थिव शरीर का। इस साइड में जो है घर परिवार गाम राम जो है अकर भाई वो इंतज़ार कर रहे हैं कि पार्थिव शरीर आओ ताकि उनकी जो दाह संस्कार की जो प्रक्रिया हो अगर अपनी वह परिपूर्ण हो सके और उनको अंतिम विदाई दी जा सके। फिलहाल उनके घर का मौजूद है एक बार थोड़ा है और आगन ढंग दर की जो प्लाटो बैठे था वो चाचे और दो ढंग और आगन दर की दिखा दे भाई। परिवार इंतज़ार करने लग रहा है। कल रात की अगर बात करी जा तो जो हमारे अस्सी के विधायक है विनोद बिहाना जी वह भी मौके के ऊपर मौजूद थे और उन्होंने मीडिया का बोलिया है कि भाई जब सरपंच साहब सुरक्षा की मांग करना रहे थे, सिक्योरिटी की मांग कर रहे थे, यानी कि पहले थे आशंका थी कि ऐसा कुछ हो सका है तो सुरक्षा की मांग करी गई थी, लेकिन पुलिस प्रशासन द्वारा उनको सिक्योरिटी उनको सुरक्षा नहीं दी गई और यह चीज़ यह घटना हमने देखनी पड़ी कि भाई जो सरपंच साहब हैं उनकी मृत्यु हो जाए, गोलियां चल जाए और उनके साथ एक आदमी और था लेकिन उनको उन्होंने बचा लिया। गाड़ी का टायर के ऊपर जो है फायरिंग हुई थी जिसकी वजह से गाड़ी भिड़ी और उनकी मौत हो गई, दूसरा बंदा ने उनको बचा लिया, यह भी अच्छी बात है। अब कितना टाइम लग गया है, विनोद बहाने जी का अगर बयान आप सुना तो बहुत सारी चीज़ें उन्होंने बताई, संजय दूण जी से भी अच्छे उनके संपर्क थे भाई, सौहार्दपूर्वक व्यवहार बताया गया, सुरक्षा की मांग। अब भी जो है विनोद बहाने जी ने बोला है कि भाई वह जांच करवाऊंगी कि क्यों संजय दूण को सुरक्षा नहीं दी गई, सिक्योरिटी नहीं दी गई पुलिस प्रशासन द्वारा। फिलहाल भी जो है कुंवारी गांव में पुलिस प्रशासन मौजूद है और आगे भी इस तरह की घटना की आशंका है। परिवारजन से बातचीत करने की कोशिश करी गई लेकिन जो गाम राम जो परिवार बैठा है कोई भी जवाब मीडिया का उन्होंने नहीं दिया। लोग कतराने लग रहे हैं, बोलने तो पीछे हटे। अब पार्थिव शरीर कितनी देर में आवा है और उनकी अंतिमता संस्कार यात्रा भी आप तक दिखावाएंगे, तब तक के लिए लगातार बने रहो और वीडियो शेयर करता हूँ। Thank you.